वेलकम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों मेरे इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अंकित गुप्ता जी के, और मैं आज आप सभी के साथ यहां पर जुड़ चुका हूं। आई नो आपने काफ़ी मिस किया द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के शो को, और मैंने भी क्योंकि कुछ कारणों की वजह से हम इस शो को लाइव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज मैं आप सभी के साथ यहाँ पर जुड़ चुका हूँ और पूरी कोशिश रहेगी कि पर डे हम लोग इसी तरह इसी सेशन में यहाँ पर लाइव हों। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। आपको आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आज के सेशन में दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आप यहां पर थंबनेल पर भी देख रहे हैं। इन दोनों ही मुद्दों के बारे में जरूर आपको जानना चाहिए और आज हम लोग डिटेल में जानेंगे, बिल्कुल डिटेल में, लाइन बाय लाइन, और यहां पर बिटवीन द लाइन्स क्या मतलब निकलता है उनको भी यहां पर समझने का प्रयास करेंगे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के माध्यम से। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत इस सेशन की, इस शो की। और अब यह शो आपका डेली लाइव होगा तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे जो कि आप में से ही एक विद्यार्थी के माध्यम से हमें भेजा गया है। इसके बाद हम लोग द हिंदू एडिटोरियल्स का ओवरव्यू देखेंगे आज की तारीख का। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर करेंगे डिटेल में डिस्कस, फिर एक एडिटोरियल के आर्टिकल को उठाएंगे और उसको आर्टिकल ऑफ द डे के तौर पर करेंगे डिटेल में डिस्कस। मैप प्रैक्टिस भी होगी जो कि साउथ कोरिया के ऊपर है, और लास्ट में हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे और भी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे की, और आज का जो मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे है जो चुना गया है वो है हर्षित गुप्ता जी का। हर्षित गुप्ता जी कहते हैं कि समझदार वह व्यक्ति नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार वह होता है जो कि फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। बहुत ही बेहतरीन ये मोटिवेशनल कोट है जो कि हर्षित गुप्ता जी ने हमें यहां पर भेजा है। आप सभी अपने मोटिवेशनल कोट को हमें अब भेजना शुरू कर सकते हैं आज इस वीडियो के खत्म हो जाने के बाद। अगर आपके पास है कोई प्रेरणादायक लाइन है या कोई कविता तो आप उसे हमें भेजिए हमारे कॉमेंट बॉक्स में। अगर मिलते हैं सबसे ज्यादा लाइक तो शामिल किया जाएगा कल के सेशन में। आज के द हिंदू एडिटोरियल न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो कौन कौन से आर्टिकल रहे उनका एक ओवरव्यू यहां पर देखेंगे और फिर डिटेल में देखेंगे आर्टिकल ऑफ द डे में। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में जो पहला इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है वो है टेक ओवर फियर्स। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये किस बारे में, आप देख सकते हैं, द नुआंस्ड अप्रोच ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट यूजिंग ऑटोमेटिक रूट मे हैव बीन बेटर। यहां पर बात यह की गई है कि एक बहुत ही छोटा सा नुआंस का मतलब होता है बहुत ही हल्का सा, हमने यहाँ पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर रोक लगाने का एक छोटा सा प्रयास किया। हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया इस समय, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी है कहाँ पर जा रही है, पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है इस समय डाउन हो रही है, भारत की अर्थव्यवस्था का भी जीडीपी प्रोडक्शन काफ़ी नीचे जा चुका है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कहीं ना कहीं कोरोना के लिए जो जिम्मेदार कंट्री है वो चाइना ही है और उसे सबक सिखाने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट को रोकने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर ऑटोमेटिक रूट से, FDI को अब गवर्नमेंट अप्रूवल रूट पर लेकर आए हैं। FDI क्या होती है, गवर्नमेंट रूल और अप्रूवल रूट क्या होता है, ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे आर्टिकल ऑफ द डे में। तो टेक ओवर फियर्स होगा आज का हमारा आर्टिकल ऑफ द डे, देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करते हैं तो इसके टाइटल को यहां पर देखते हैं क्या है ये टाइटल, ऑन द ओकेजन टू रिविजिट द सोवरेन्स रोल। हम यहां पर देखते हैं कि हमारे देश के फेडरल सिस्टम में राज्यों का जो रोल बनता है उसको यहां पर फिर से रीडिफाइन करने की जरूरत है, ये यहां पर राइटर बता रहे हैं। देयर हैज टू बी अ डिस्कोर्स ऑन रीडिफाइनिंग द स्टेट्स इन्वॉल्वमेंट इन इंडियाज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। तो भारत के राज्यों का जो इन्वॉल्वमेंट बनता है भारत की सामाजिक, आर्थिक और जो आपकी पॉलिटिकल राजनीतिक लाइफ है उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है काफी कम है, केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट यहां पर ज्यादा नजर आता है, तो यहां पर इसको रीडिफाइन करने की जरूरत है। मुद्दों को लेकर लिखा गया ये आर्टिकल है, कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार के अधीन सारी राज्य सरकारें काम कर रही हैं, कुछ राज्य सरकारें अपने खुद के डिसीजन भी ले रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रोल के बारे में डिस्कशन किया गया है किसी भी क्राइसिस के टाइम पर, डिजास्टर के टाइम पर। मुझे नहीं लगता ये आर्टिकल आपको रीड करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी पॉलिटी अच्छी है या आप IAS PCS के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स देने वाले हैं, प्रीलिम्स का आप एग्जाम देने वाले हैं या मेंस लिखने वाले हैं या आपकी तैयारी अच्छी है, तो इस आर्टिकल को आप पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर ले सकते हैं ताकि आप भारत के केंद्र सरकार और भारत की राज्य सरकारों के बीच के जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप है, उनको और बेहतर तरीके से यहां पर समझ सकें। नेक्स्ट आर्टिकल की हम लोग बात करते हैं तो ये साउथ कोरिया की पॉलिटिक्स को लेकर लिखा गया ये आर्टिकल है जिसका नाम है मून राइजिंग। यहां पर मून का मतलब साउथ कोरियन प्रेसिडेंट है जिनका नाम है मून जियान, नाम याद रखिएगा। और हाल ही में जो वहां पर चुनाव हुए हैं और
और उस चुनाव में जो मुख्य मुद्दा रहा है वो ये रहा है कि किस तरह से कोविड 19 पैंडमिक को महामारी को फैलने से रोका जाए। इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर जो सफलता हासिल हुई है उसको लेकर चुनाव लड़ा गया था और इसमें जीत हासिल हुई है। काफी अच्छा आर्टिकल है लेकिन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधा मुद्दे को याद रखिए और ये पॉलिटिकल आर्टिकल है इसलिए आपको इसको रीड नहीं करना है, ठीक है गाइज। लेकिन यहां पर हम लोग मैप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अगर हम लोग यहां पर देखते हैं कि साउथ कोरिया की लोकेशन क्या बनती है दुनिया के नक्शे पर, तो आप यहां पर देख सकते हैं साउथ कोरिया दुनिया के नक्शे पर यहां पैसिफिक ओशन के पास आपका मौजूद है। साउथ कोरिया के बारे में कुछ और यहां पर डिस्कशन जरूर करेंगे जो कि मैप प्रैक्टिस के लिए यहां पर जरूरी बनता है आपके लिए। साउथ कोरिया की बात करते हैं तो क्या साउथ कोरिया एक लैंडलॉक कंट्री है, तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप साउथ कोरिया को देख सकते हैं कि एक तरफ येलो सी है और दूसरी तरफ आपका सी ऑफ जापान है। यहां पर पूरी तरह से तीन तरफ से घिरा हुआ कंट्री है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की अगर हम लोग बात करते हैं, सियोल यहां की कैपिटल बनती है जबकि वोन यहां की करेंसी बनती है। नेबरिंग कंट्री की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया इसके उत्तर में है और इसका सबसे पड़ोसी कंट्री बनता है जिसके साथ इसकी लैंड बाउंड्री यहां पर कनेक्ट होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज से आप सभी से पूछता हूं जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कंप्लीट हो जाने के बाद देना है कि कौन सी इंटरनेशनल बॉर्डर नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करती है। जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाए तो इसका आंसर आपको मुझे देना होगा कमेंट बॉक्स में। यहां तक सारी बातें समझ में आई हो तो एक बार इसे लिखकर बता दीजिएगा। एक विद्यार्थी की डिमांड यह भी थी कि सर जब भी आप कोई कंट्री डिस्कस किया कीजिए उसका फ्लैग भी साथ में लगा दिया करिए, तो जी हां साउथ कोरिया का फ्लैग भी आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। मैप प्रैक्टिस के बाद आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम लोग ये देख लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉन की अगर हम लोग बात करते हैं, यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तो क्या कौन सी रेखा यहां पर साउथ कोरिया से गुजरती है, तो यहां पर मेरे कर्सर पर ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो लाइन आपकी जा रही है अफ्रीका से होते हुए भारत के बिल्कुल बीचों बीच से, ये आपकी कर्क रेखा बनती है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं तो अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो बनती है वो बनती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भारत के 8 राज्यों से ये गुजरती है, याद रखिएगा, लेकिन ये साउथ कोरिया से नहीं गुजरती, ना ही इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त, ये भी साउथ कोरिया से नहीं गुजरता, ना ही इंडिया से गुजरता है और ना ही मकर रेखा। इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट, इकलौता ऐसा महाद्वीप आपका अफ्रीका है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों की तीनों रेखाएं आपकी गुजरती हैं। उम्मीद है ये पॉइंट और मैप प्रैक्टिस यहां पर आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल आप सभी के सामने है वो है द इनविजिबल फेस ऑफ द फॉलआउट। यहां पर जो बात की जा रही है कि एक ऐसा फॉलआउट, एक ऐसा क्राइसिस जो कि नजर नहीं आ रहा। यहां पर बात की गई है द ट्रेडिशनल जेंडर रोल दैट वुमेन प्ले डिस्टिंक्टली अफेक्ट्स देम इन ग्लोबल क्राइसिस एज सीन इन न्यूमरस एग्जांपल्स। जब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी क्राइसिस आता है, कोई भी डिजास्टर आता है, तो ऐसी कंडीशन में महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। इसके अनगिनत उदाहरण हैं लेकिन फिर भी यहां पर इनको गिना नहीं जाता या नहीं ये हमें सामने सामने नजर आता है। जब आंकड़ों की बात होती है तो वहां पर आंकड़ों में तो केवल ओवरऑल आंकड़े ही आपके सामने आते हैं, लेकिन किसी भी क्राइसिस की, यहां पर बहुत सारे क्राइसिस डिस्कस हुए हैं। यहां पर 2004 में आई सुनामी डिस्कस हुई है इस आर्टिकल में, पिछले साल केरला में आई बाढ़ भी डिस्कस हुई है। इसके अलावा भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर महिलाओं के ऊपर इन क्राइसिस का कितना बुरा असर पड़ा है उसको डिस्कस किया गया है। आप चाहें तो इस आर्टिकल को वुमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड कर सकते हैं, ये आर्टिकल आपके रीड करने लायक है। द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF, जो कंप्लीट न्यूज़पेपर की PDF होती है, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और मेरे फेसबुक पेज GK विदर्स पर मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद, क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद मैं वहां पर उसे अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल में भारतीय वायुसेना की यहां पर तारीफ की गई है, नर्चरिंग एयर पावर टू मीट राइजिंग डिमांड। इस पर्टिकुलर आर्टिकल की बात करें तो सब टाइटल में लिखा हुआ है इंडियन एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी विल बी इंक्रीजिंगली कॉल्ड अपॉन फॉर ह्यूमैनिटेरियन एयर एंड डिजास्टर रिलीफ। हम सभी जानते हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जब कोई ऐसी क्राइसिस आती है, दिक्कत आती है, तो वहां से भारतीयों को निकालने में भारतीय वायुसेना सबसे आगे होती है। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हमने चलाए हुए हैं, ऑपरेशन राहत है, इसके अलावा भी ऑपरेशन मदद है, बहुत सारे ऑपरेशन, जैसे कि अभी हम लोगों ने मेडागास्कर में एक ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन वनीला, जिसके तहत मेडागास्कर कंट्री में जो बाढ़ आई थी और बाढ़ के बाद वहां के लोग फंस गए थे, तो वहां पर हमने उनको रिलीफ वगैरह भी वहां पर दिया। इसके अलावा ऑपरेशन संजीवनी, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन बनता है मालदीव कंट्री में। तो भारत
भारतीय वायुसेना अपनी शक्ति बढ़ा रही है और दुनिया में कभी भी मानवता की जब जरूरत पड़ती है या दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी कंट्री या किसी भी देश के लोग जब फंसे होते हैं तो वहां पर सबसे पहले जो मदद मांगी जाती है वो भारतीय वायुसेना से मांगी जाती है। तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना की बढ़ती हुई ताकत के बारे में डिस्कशन किया गया और पहले ही आर्टिकल में यहाँ पर बोला गया है अप्रैल के ही शुरुआत में यहाँ पर पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की अगर मैं वहां पर बात करूं कि एक मैसेज वायरल हुआ था जिसमें एयर इंडिया फॉर ऑपरेटिंग स्पेशल फ्लाइट्स टू फ्रैंकफर्ट विद रिलीफ मटेरियल एंड इवैक्यूएटेड यूरोपियन नेशनल्स। यहां पर भारतीय वायुसेना ने फ्रैंकफर्ट के लिए उड़ान भरी थी और उस उड़ान के लिए उन्होंने पाकिस्तानी एयरबेस मतलब कि उस रास्ते का इस्तेमाल किया था जिसमें उनको क्लियरेंस दी गई थी और पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने भी उनकी तारीफ की थी कि वो वहां पर मानवता की मदद के लिए जा रहे हैं और भारतीय वायुसेना का पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से उनको सलाम किया गया था। एक मैसेज आपका वायरल हुआ था। यहां पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये यमन से निकाले गए लोगों की है जो कि जिबूती में आपके फंसे हुए थे 2015 में। वहां से यमन जब क्राइसिस आया था यमन में जब आपका वॉर काफी तेज हो गया था तो वहां से लोगों को लेकर भारतीय वायुसेना वहां के सभी लोगों को लेकर हिंदुस्तान पहुंची थी। तो ये इस पर कई मूवीज भी बन चुकी हैं जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी एयरलिफ्ट जिसमें कुवैत में भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया था। तो बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जब भारतीय वायुसेना ने अपने पराक्रम का परिचय देते हुए अपने साहस का परिचय देते हुए ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर डिजास्टर रिलीफ पहुंचाया है। तो उनकी तारीफ में ये आर्टिकल है, आप चाहें तो इस आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। अगर आप आर्मी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बनता है। आज का कार्टून मैसेज थोड़ा सा मजदूरों को लेकर है। हम सभी जानते हैं कि कुछ ही समय पहले जो भारत के अलग अलग राज्यों में जो आपके मजदूर फंसे हुए थे उन्होंने पैदल ही गांव की तरफ अपना रुख शुरू कर दिया क्योंकि शहरों में लॉकडाउन होने के बाद उनकी जीवन यापन का वहां पर समस्या खड़ी हो गई, संकट खड़ा हो गया। तो उसी को लेकर आज का कार्टून मैसेज यहां पर है और कार्टून मैसेज में आप देख सकते हैं कि एक तरफ कोरोना वायरस का एक बना हुआ है, ये कोरोना वायरस का कर्व बना हुआ है और इस कोरोना वायरस के कर्व को ये गांव के लोगों ने मजदूरों ने ग्रामीण लोगों ने जो कि शहरों से गांवों की तरफ पलायन कर रहे थे जैसे ही इसको क्रॉस किया तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर खून से सने हुए पांव के जो निशान हैं वो आपको यहां पर दर्शाए गए हैं और ये दिखाया गया है कि एक नेताजी यहां पर खड़े हुए हैं और इनके दिमाग में कुछ विचार आ रहा है कि ये जो आपका गोल गोल कर्व था ठीक है लोग इसके ऊपर से गुजरे उनके पांव में कांटे चुभे और पांव के निशान यहां पर पड़े तो यहां पर दिखा रहे हैं कि ये जो कर्व है वो फ्लैट हो गया। यानी कि फ्लैट कर्व का मतलब ये है, यहां पर मैं केरल राज्य का एग्जाम्पल लूंगा जहां पर केरल राज्य में जो कोरोना वायरस के लोगों की संख्या थी मामलों की संख्या थी तेजी से धीरे धीरे बढ़ रही थी तो ग्राफ ऊपर की तरफ आपका जा रहा था और अभी हाल ही में केरल सरकार ने अच्छे कदम उठाते हुए वहां पर जो बढ़ते हुए मामले थे उनको रोक लिया है तो वहां पर जो कर्व ऊपर की तरफ जा रहा था अब वो कर्व यहां पर फ्लैट हो गया है। तो यहां पर इनके कहने का मतलब यहां पर ये है कि ठीक है होने दो मूवमेंट क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कोटा राजस्थान से बच्चों को लाने के लिए वहां पर 3000 बसों का इंतजाम किया गया था लेकिन मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाने के लिए यहां पर किसी भी तरह के पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल वहां पर नहीं करने दिया गया। तो यहां पर कहा गया कोई बात नहीं इनके लिए हम लोग यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं कराएंगे, इनके चलने से क्या होगा कोरोना वायरस का जो कर्व है वो फ्लैट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, एक तीर से दो निशाने इस पर्टिकुलर कार्टून मैसेज से लगाए गए हैं। तो ये तो रहा आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का ओवरव्यू। उम्मीद है ओवरव्यू आपको क्लियर रहा होगा क्या क्या आर्टिकल आए हैं किस तरह के आर्टिकल हैं। और कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में एक बहुत ही छोटा सा आर्टिकल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल छपा था जिसमें लिखा है एड्रेस करतारपुर डैमेज। हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के करतारपुर में जो करतारपुर गुरुद्वारा साहिब आपका बना हुआ है वहां पर हाल ही में एक आंधी तूफान आता है और वहां पर करतारपुर के जो डोम है मतलब कि जो गुंबद है वो वहां पर गिर जाते हैं। भारत ने पाकिस्तान को ये बोला है कि जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई कीजिए और रिपेयर कीजिए काम को, यानी कि वहां पर जो गुंबद थे वो परमानेंट गुंबद नहीं थे, उनको सीमेंटेड नहीं किया गया था, फिक्स नहीं किया गया था और एक आंधी आने से ही क्या हो गया वो डैमेज हो गए। तो ये तरीका सही नहीं है, पाकिस्तान को इस तरह से निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। एक ऐसा सिंबल, एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसा भवन जो कि सिख धर्म के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र है और दो देशों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, ऐसे पवित्र स्थल के गुंबद का गिरना यहां पर शुभ नहीं है। यहां पर कुछ तस्वीरें हैं, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि गुंबद यहां पर किस तरह से आपके घिरे हुए आपको नजर आएंगे आंधी के आने के बाद ये गुंबद, और ये गुंबद लगेंगे भी नहीं आपको कि सीमेंट है या ये ठोस
मटेरियल से बनाए गए थे, ये बिल्कुल हल्के प्लास्टिक के मटेरियल के बने हुए थे, छोटी सी आंधी आने पर ही उड़ गए, तो ये तरीका सही नहीं है। तो अब हम लोग करतारपुर गुरुद्वारे के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। स्पीड इतनी ही रहेगी लेकिन फिर भी आपको सारी चीज़ यहाँ पर समझ में आएंगी, लाइन बाय लाइन हम इस आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए अगले 10 मिनट के लिए। दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, 10 मिनट आपको 10 से भी ज़्यादा अच्छी अच्छी नॉलेज और अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट दिला दे सकते हैं। तो 10 मिनट के लिए पूरा फोकस यहां पर रखिएगा, बाकी सारी चीजों से अपने दिमाग को हटा लीजिए। इंडिया हैज आस्क्ड पाकिस्तान टू अटेंड टू रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द करतारपुर साहिब गुरुद्वारा दैट वेयर डैमेज्ड इन अ स्टॉर्म ऑन अप्रैल 18, 2020। 18 अप्रैल 2020 को वहां पर एक आंधी आती है और आंधी में करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के जो डोम है और जो गुंबद है वो वहां पर गिर जाते हैं। तो भारत ने पाकिस्तान को बोला है कि अर्जेंटली जल्द से जल्द रिकंस्ट्रक्शन करिए और इस डैमेज को ठीक कीजिए। द श्राइन इन पाकिस्तान नरोवाल डिस्ट्रिक्ट बिल्ट वेयर फाउंडर ऑफ द सिख फेथ गुरु नानक देव जी लिव्ड द लास्ट इयर्स ऑफ हिज लाइफ इज हाईली रिवर्टेड बाय द फॉलोअर्स of the faith and other worshippers in India and around the world। अगर हम बात करते हैं करतारपुर गुरुद्वारे की तो ये इतना पवित्र क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पाकिस्तान के नरोवाल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और यहाँ पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने अपने जन्म के अंतिम वर्ष यहाँ पर गुजारे थे और जितने भी पूरी दुनिया में इनको मानने वाले हैं, इनको चाहने वाले हैं, इनकी भक्ति करने वाले हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे पूरी दुनिया में हो, वो उनके लिए ये जगह बहुत ही पवित्र है, इसलिए इस पवित्र स्थान की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। करतारपुर साहिब इज इन द मिडेस्ट ऑफ द ईयर, मिडेस्ट ऑफ द ईयर लॉन्ग फेस्टिविटीज एसोसिएटेड विद द 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी। इसी पिछले साल के अंत अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर हमने 550वीं जो जयंती थी गुरु नानक देव जी की वो मनाई थी और उसी गुरु नानक देव जी की जयंती के उपलक्ष्य में ही वहां पर करतारपुर साहिब गुरुद्वारे को इनॉग्रेट किया गया था भारत की तरफ से, अपने करतारपुर कॉरिडोर को और पाकिस्तान के अपने करतारपुर कॉरिडोर को इनॉग्रेट किया गया था। 550वीं जो बर्थ एनिवर्सरी थी, जयंती थी गुरु नानक देव जी की उस दिन। It has emerged as a major center of Sikh pilgrimage in Pakistan over the last few months after the corridor from India was operationalized. जब से कॉरिडोर का निर्माण हो चुका है, यानी कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाले कॉरिडोर का जब से निर्माण कंप्लीट हुआ है और ये ऑपरेशनलाइज हो चुका है, मतलब लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं पिछले कुछ महीनों से, तो सिख धर्म को मानने वाले जो तीर्थयात्री हैं वो काफी बड़ी संख्या में करतारपुर साहिब पहुंचते हैं। कॉरिडोर कनेक्ट्स करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जो कि नरोवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान में मौजूद है विद द डेरा बाबा नानक श्राइन इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट इन इंडियाज पंजाब प्रोविंस। गुरदासपुर से सांसद कौन बनते हैं आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है, जरा मुझे टाइप करके बताइएगा कि पंजाब के गुरदासपुर से सांसद कौन बनते हैं। तो जो कॉरिडोर बनाया गया है जिसका नाम है करतारपुर कॉरिडोर, तो करतारपुर कॉरिडोर करतारपुर साहिब गुरुद्वारे को पंजाब के गुरुदासपुर के डेरा बाबा नानक साहब से कनेक्ट करता है। तो यहाँ के जो सिख श्रद्धालु हैं डायरेक्टली इस कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए 3-4 किलोमीटर का रास्ता बनता है, वो करतारपुर साहिब जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बिल्डिंग है और दोनों देशों के बीच में भक्ति का एक बड़ा जुड़ाव है लोगों के लिए भी और देशों के लिए भी। करतारपुर साहिब की बात करते हैं तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी ट्रेवल्ड थ्रू मैनी कंट्रीज स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल पीस हारमोनी एंड लव बिफोर फाइनली अराइविंग इन करतारपुर इन 1521। गुरु नानक देव जी की अगर हम लोग बात करें, सिख धर्म के संस्थापक हैं और पहले सिख गुरु हैं, इन्होंने कई अलग अलग कंट्रीज को वहां पर भ्रमण किया, अलग अलग देशों में गए, वहां पर उन्होंने यूनिवर्सल पीस यानी कि पूरी दुनिया में शांति की अपील की, हारमोनी लव के साथ लोगों को रहने को बोला, प्यार के साथ भाईचारे के साथ रहने के जो संदेश हैं उपदेश हैं वो दिए जब वो करतारपुर आए उससे पहले। और करतारपुर ये पहुंचे हैं 1521 वर्ष में। द देन गवर्नर ऑफ द रीजन, इस इलाके का जो गवर्नर हुआ करता था उस समय उनका नाम था दुनी चंद जी, उन्होंने करीब करीब 100 एकड़ की जो लैंड थी, 100 एकड़ की जो जमीन थी रावी नदी के किनारे, वो इनको दान में दी और उसी पर करतारपुर गुरुद्वारा आपका बनाया गया था। और उसके बाद ये करतारपुर जगह बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस साइट हो गई, जब से वहाँ पर गुरु नानक देव जी रहने लगे तो पूरी दुनिया में जो भी सिख श्रद्धालु थे जो उनको मानते थे वो वहाँ पहुँचने लगे।
द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द गुरुद्वारा इन करतारपुर वॉज लेड इन 1572। करतारपुर में गुरुद्वारे की स्थापना 1572 में इसका जो शिलान्यास है वो किया गया, और आगे चल के महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा इस इनके जो गुंबद थे, मतलब इसकी इस गुरुद्वारे के जो गुंबद थे, उन्हें सोने से मढ़ दिया गया। वर्तमान समय में जो स्ट्रक्चर आप इस पर्टिकुलर इमेज में देख रहे हैं, इस तस्वीर में देख रहे हैं, जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, ये बनवाया गया था भूपिंदर सिंह जी के द्वारा, जो कि पटियाला के महाराजा रहे थे 1925 में। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट स्ट्रक्चर है। आप वही कहेंगे कि सर आपने तो बोला कि इनका जो गुंबद था वो सोने से मढ़ा हुआ था, स्वर्ण मंदिर की तरह। जी हाँ, लेकिन वो स्ट्रक्चर आपका गिर गया। आगे चल के 1925 में जो ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, वो महाराजा और पटियाला, महाराजा ऑफ पटियाला भूपिंदर साहब ने यहां पर इसको बनवाया था। तो याद रखिएगा, गुरु नानक देव जी की जयंती की बात करते हैं तो इज ऑब्जर्व टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ द गुरु नानक देव जी। 1469 में इनका जन्म हुआ और ये मोक्ष को प्राप्त हुए 1539 में। हु इज द फर्स्ट ऑफ द 10th सिख गुरुज एंड द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। इन्हें सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है और सिख धर्म के 10 गुरुओं में से ये पहले आपके गुरु थे। He rejected sacrifices, इन्होंने बलि या आहुति को मना किया। Ritual baths, image worship का मतलब है फोटो देखकर या मूर्ति पूजा के ये खिलाफ थे। इसके अलावा धर्म ग्रंथों के भी ये खिलाफ थे कि धर्म ग्रंथों के आधार पर आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुस्लिम हो। तो उन्होंने इसको मना ही इसकी यहाँ पर की। आगे चल के कुछ और चीजें जो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनेंगी। जो फिफ्थ गुरु थे उनका नाम था गुरु अर्जन देव साहब। उन्होंने कंपाइल किया गुरु नानक देव जी के सभी हाइम्स को, सूक्तियों को, उनके उपदेशों को, अलोंग विद दोज ऑफ हिज फोर सक्सेसर्स एंड देयर रिलीजियस पोएट्स लाइक बाबा फरीद, रविदास जी जिन्हें हम संत रैदास भी कहते हैं, कबीर जी, इन दी आदि ग्रंथ साहिब। तो आगे चल के गुरु अर्जन देव साहब ने चार धर्म गुरु, जो चार सिख धर्म के गुरु बनते हैं, उनके उनके उपदेशों को, बाबा फरीद के उपदेशों को, रैदास जी के उपदेशों को, कबीर जी के उपदेशों को, यहाँ पर सबको संकलित किया आदि ग्रंथ साहिब में, और आगे चल के इनको गाया भी जा सका, जिसे गुरुबाणी भी आपको कहते हैं। और गुरुबाणी अलग अलग लैंग्वेजेस में आपकी कंपोज्ड है। आगे चल के 17th सेंचुरी की बात करें तो जो आपके 10th गुरु आए, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने जो आपके 9th सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, उनके उपदेशों को भी शामिल किया, और फिर आपका फाइनली गुरु ग्रंथ साहिब जी आपके बनते हैं। तो 10वें धर्म गुरु के बाद 11वें धर्म गुरु नहीं बने, उनके लिए 11वें धर्म गुरु गुरु ग्रंथ साहिब ही बने, और उसके बाद किसी भी गुरु को यहाँ पर मान्यता नहीं दी गई। उम्मीद है ये आर्टिकल आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार यस लेकर मुझे बता दीजिएगा कि यस सर, करतारपुर कॉरिडोर के बारे में, गुरु नानक देव जी के बारे में, और हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ है कि करतारपुर गुरुद्वारे के जो डोम हैं वो आंधी में गिर गए और पाकिस्तान को यहाँ पर एक फटकार भी लगाई है। भारत ने बोला भैया ये क्या तरीका है, मतलब है तो सुधर जाओ, ठीक है। तो वही सारी चीजें, उम्मीद है ये आर्टिकल क्लियर रहा हो, तो एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमी को लेकर है। इस आर्टिकल का नाम है टेक ओवर फियर्स, ये मैंने आपको भी ओवरव्यू में बताया था। ये आज का हमारा आर्टिकल ऑफ द डे है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अनुआंस्ड, नुआंस्ड का मतलब था बहुत ही नाजुक फर्क डालना, किसमें, चाइनीज इन्वेस्टमेंट में। अगर हम लोग ऑटोमेटिक रूट की बात करें तो अब उसे अप्रूवल, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के तहत अब चाइनीज इन्वेस्टमेंट आएगा। तो राइटर का कहना है कि बहुत ही मामूली सा फर्क डालेगा, कुछ खास इसमें बढ़ोतरी या कुछ खास इससे हासिल नहीं होगा। द गवर्नमेंट डिसीजन टू बैन फॉरिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं FDI, थ्रू द ऑटोमेटिक रूट फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज दैट आर लैंड बॉर्डर विद इंडिया हैज रेज आईब्रो। केवल चाइना के साथ ही नहीं, भारत के साथ जिन जिन कंट्रीज की लैंड बाउंड्री शेयर होती है, जिन जिन पड़ोसी कंट्री के साथ हम लोग लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, अब अगर उनमें से कोई भी कंट्री भारत में FDI लाना चाहता है या FDI के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो अब वह ऑटोमेटिक रूट से FDI इन्वेस्ट नहीं कर सकता। उससे पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी होगी और उसके बाद ही FDI का इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया जा सकेगा। तो यहाँ पर आईब्रो यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर चिंता की बातें यहाँ पर नजर आ रही हैं। इस आर्टिकल की बात करें, दिस इज मेनली बिकॉज द मूव इज सीन एज एम्ड एट चाइनीज इन्वेस्टर्स हु कुड एक्सप्लॉइट चीप वैल्यूएशंस इन द डिप्रेस्ड
इकोनॉमिक कंडीशन पोस्ट लॉकडाउन टू पिक अप इक्विटी इंटरेस्ट इन सिलेक्टेड कंपनीज। यहां पर बात यह की गई है कि ये सारा जो हमने कदम उठाया है, ये जो मूव हमने उठाया है, ये केवल इसी चीज को देखते हुए उठाया है कि लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी की हालत और खराब हो जाएगी और इकोनॉमी की खराब हालत का कहीं चाइनीज इन्वेस्टर्स उसका लाभ ना उठाएं, गलत तरीके से उसका लाभ ना उठाएं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उनकी चीफ वैल्यूएशंस होती हैं और भारतीय कंपनियों की जो वैल्यूएशन हो जाएगी उस समय काफ़ी गिर जाएगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि चाइनीज इन्वेस्टर्स भारतीय कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लें या उनका अधिग्रहण कर लें या उसमें सिचुएशन का फायदा उठाते हुए उनमें इन्वेस्टमेंट कर लें, जो कि भारतीय इकोनॉमी के लिए अच्छा ना हो। तो आने वाले समय को देखते हुए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को क्या किया गया है, गवर्नमेंट के अप्रूवल से लाने की बात हुई है, ना कि ऑटोमेटिक रूट से। इंडिया इज नॉट अलोन इन दिस फियर ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक टेकओवर्स एज प्रेस नोट 3/2020 सीरीज ऑफ द कॉमर्स मिनिस्ट्री डिस्क्राइब्ड इट। केवल भारत ही ऐसा नहीं है जिसके अंदर इस तरह की चिंता जाहिर हुई है कि अपॉर्चुनिस्टिक मतलब कि जो अपॉर्चुनिटी बनेगी ना कि इकोनॉमी की हालत खराब है तो टेक ओवर कर लेंगे चाइनीज इन्वेस्टर्स इंडियन कंपनीज को। ये केवल भारत की ही नहीं बल्कि इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, हैव ऑलरेडी टेकन सिमिलर एक्शन टू प्रोटेक्ट देयर बिजनेसेस फ्रॉम द फॉरेन। फॉरेन का मतलब यहां पर चाइनीज इन्वेस्टर्स से ही है। फिशिंग फ्रॉम द डिस्ट्रेस्ड एंटिटीज टू नीड ऑफ कैश इन द पोस्ट कोविड-19 सिनेरियो। तो जैसे ही आपका कोविड-19 का जो सारा सिनेरियो खत्म होगा, लॉकडाउन खत्म होगा और फिर से हालात पटरी पर आ जाएंगे, जनजीवन सामान्य हो जाएगा, तो कहीं उस सिचुएशन का लाभ उठाकर लैक ऑफ कैश की जो जरूरत है, कैश की जो कमी है, उसको पूरा करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि चाइनीज इन्वेस्टर्स भारतीय कंपनियों को यहाँ पर टेक ओवर कर लें। इसको रोकने के लिए इटली, स्पेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज ने सिमिलर स्टेप्स उठाए हैं। चाइनाज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैज बीन ऑन अ शार्प अप कर्व इन द लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में अगर हम लोग देखते हैं तो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है इंडियन इकोनॉमी में और वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर है, जो ग्राफ है वो तेजी से ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है, शार्प अप कर्व हमें देखने को मिलता है। तो कहीं ऐसा नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा, प्राइवेट कंपनियों का एक बड़ा हिस्सा चाइना के इन्वेस्टर्स के कंट्रोल में आ जाए, ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। आप मेरी बात से सहमत हैं, गवर्नमेंट की बात से सहमत है, सरकार ने ये जो कदम उठाया क्या आप इस बात से सहमत हैं, तो मुझे यस लिखकर जरूर बताइए। अकॉर्डिंग टू अ ब्रुकिंग्स इंडिया स्टडी द टोटल करंट एंड प्लान इन्वेस्टमेंट बाय चाइनीज एंटिटीज इज ओवर $26 बिलियन। वर्तमान समय में ब्रुकिंग्स इंडिया की स्टडी की अगर हम लोग माने तो यहां पर चाइनीज एंटिटीज के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है इंडियन इकोनॉमी में वो $26 बिलियन से भी ज्यादा है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टेड नॉट जस्ट ब्रिक एंड मोर्टार इंडस्ट्रीज बट इन टेक्नोलॉजी, फिनटेक, स्टार्टअप, where Alibaba and Tencent have funded a host of Indian names such as the Paytm, Swiggy, Ola, Zomato, etc. and the big basket here. बात यहाँ पर ये की गई है कि केवल यहाँ पर जो चाइनीज इंडस्ट्रीज हैं वो केवल ब्रिक एंड मोर्टार इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, टेक्नोलॉजी हो, फिनटेक हो या जो स्टार्टअप्स हो, जैसे कि हम बात अगर करें अलीबाबा की तो इन्होंने क्या है कि पेटीएम, स्विगी, ओला, जोमेटो और बिग बास्केट सभी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है और धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे ये स्टार्टअप बड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में ये सभी स्टार्टअप कहीं ऐसा ना हो कि चाइनीज इन्वेस्टर्स के कंट्रोल में आ जाएं और जो कि भारतीय इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा आपका रखते हो, तो इसी कंट्रोल को यहाँ पर दूर करने के लिए ये सारी चीजें यहाँ पर उठाई गई हैं। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट अ मूव टू कर्व और कंट्रोल चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनीज वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स एंड द कोविड-19 वॉज अ गुड एक्सक्यूज टू पुल द ट्रिगर। हम सभी जानते हैं कि हमेशा से हम कोशिश करते रहे कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट को भारतीय कंपनियों में लाने से रोकें, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ अड़ंगे आते रहे हैं, चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि अगर हमें चाइनीज मार्केट में अपनी पहुंच बनाए रखनी है तो चाइना को भी भारतीय मार्केट में पहुंच बना के रखने देनी होगी। लेकिन इसके विपरीत चाइनीज प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, वो काफी चीप प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से भारतीय मार्केट में जगह बना लेते हैं और यहाँ पर भारत के पास बहाने तो कई होते थे लेकिन बहाने के काम नहीं बनता था। लेकिन अब यहाँ पर ये बोला गया कि कोविड-19 की बहाने भारत अब क्या कर सकता है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए यहाँ पर अपना ट्रिगर जो है वो दबा सकता है। यहां तक तो आर्ट आपका था, मुझे उम्मीद है कि यहां तक का आर्टिकल आपको क्लियर रहा होगा। एक बार यस लिखकर मुझे बताइए कि यहां पर भारत सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट को अब गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से लिया जाएगा
ऑटोमेटिक रूट से नहीं लिया जाएगा। तो अब मैं यहां पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा जो कि आर्टिकल से अलग है, अलग से मैंने ऐड की है। एफडीआई की बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अलाउड अंडर टू मोड्स इन इंडिया। भारत में दो तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता है। एक आ सकता है ऑटोमेटिक रूट से। ऑटोमेटिक रूट से अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है तो उसके लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। ऐसी कंडीशन में जो कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है वो एक नोटिफिकेशन आरबीआई को दे सकती है और उसके बाद किसी भी भारतीय कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। लेकिन दूसरा जो रूट होता है वो होता है गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। इस पर्टिकुलर रूट के तहत अगर कोई भी विदेशी कंपनी या व्यक्ति भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको उससे पहले अपना प्रपोजल भारत सरकार के पास भेजना होगा और भारत सरकार इस पर 2 से 3 हफ्ते तक विचार विमर्श करने के बाद ही अप्रूवल देती है कि ये जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है क्या वो सही है, इकोनॉमी के लिए सही है या नहीं। अभी तक चाइना ऑटोमेटिक रूट के तहत एफडीआई इंडिया में लाता रहा है लेकिन अब इसे अप्रूवल रूट के तहत जाना होगा। सरकार को जो प्रपोजल ठीक लगता है इकोनॉमी के लिए सरकार उसको अप्रूवल देगी और जो ठीक नहीं लगता है सरकार उसको अप्रूवल नहीं देगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन में यह भी याद रखें, एन एंटिटी ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश की कोई भी एंटिटी विच शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया और वेयर द बेनिफिशियल ओनर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन टू इंडिया इज सिचुएटेड इन और इज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर द गवर्नमेंट रूट। सच कंट्री कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर द गवर्नमेंट रूल बिकॉज इंडिया शेयर लैंड बॉर्डर्स विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो अभी तक का सिस्टम ये था, मतलब कि अब जो सिस्टम आया है उस सिस्टम के तहत जितने भी कंट्री भारत के साथ लैंड बाउंड्री आपके शेयर करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, अब इन कंट्रीज को क्या करना होगा। अगर इन कंट्रीज में से कोई भी कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है या कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे अपना सबसे पहले प्रपोजल भारत सरकार को देना होगा और सरकार उनके इस प्रपोजल पर, एफडीआई प्रपोजल पर डिसीजन लेगी। वो ऑटोमेटिक रूट के तहत अपना प्रपोजल या ऑटोमेटिक रूट के तहत वो एफडीआई हिंदुस्तान में नहीं ला सकते। मेरी बात यहां पर समझ में आती चल रही हो, आर्टिकल क्लियर होता चल रहा हो तो एक बार इस लेकर मुझे बता दीजिएगा। इससे पहले के सिस्टम के बारे में यहां पर जान लेते हैं। अर्लियर एफडीआई पॉलिसी वाज लिमिटेड टू अलाउइंग ओनली बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वाय द गवर्नमेंट रूट इन ऑल सेक्टर। इससे पहले हमारे पड़ोसी दो ही कंट्री हैं, एक तो पाकिस्तान बनता है और दूसरा बनता है आपका बांग्लादेश। यही दो कंट्री आपके ऐसे कंट्री थे जो कि भारत के किसी भी सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो उन्हें पहले यहां पर गवर्नमेंट, उनको केवल लिमिटेड अलाउंस थी, उन्हें सरकार से पहले अलाउंस लेनी पड़ती थी, सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता था, उसके बाद ही वो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। और चाइनीज इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो इस एफडीआई पॉलिसी में नहीं आता था लेकिन अब इस पर्टिकुलर नई एफडीआई पॉलिसी के तहत अब चाइना के साथ साथ सभी पड़ोसी कंट्रीज को भारत में सरकार से अप्रूवल लेकर ही एफडीआई भारत में वो ला सकते हैं। अगर हम लोग चाइनीज इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं इंडिया में कि कितना चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसने 1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना का हुआ करता था 2014 में। डेटा समझिएगा, शॉर्ट ऑफ 5 फोल्ड्स, ये 5 गुना बढ़ गया है, एटलीस्ट 8 बिलियन US डॉलर, करीब करीब 60,800 करोड़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 सालों में ये क्या बढ़ गया है, 5 गुना हो चुका है। तो अब यहां पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट को रोकने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि इकोनॉमी के एक बड़े हिस्से पर, प्राइवेट कंपनियों के एक बड़े हिस्से पर चाइनीज कंपनियों का यहां पर अधिकार यहां पर हो जाए। यहां पर एक ग्राफ भी प्लॉट किया गया है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं अलग अलग कलर से अलग अलग इंडस्ट्रीज को यहां पर डोनेट किया गया है, यहां पर दिखाया गया है। 2017, 16, 18, 19 जो आपकी ब्लू कलर की इंडस्ट्री दिख रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है, ग्रीन कलर जो नजर आ रहा है वो कंज्यूमर गुड्स का है और यहां पर जो बैगनी कलर आपको नजर आ रहा है, ब्रिंजल कलर, वो आपका एनर्जी के लिए है, रियल एस्टेट नहीं, वो आपका एनर्जी के लिए है, येलो कलर रियल एस्टेट के लिए, ब्रिंजल कलर है और इसके अलावा हल्का जो नारंगी कलर आपको नजर आ रहा है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए है। तो उम्मीद है ये आर्टिकल और इस आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे, चाहे वो आपका चाइना में एफडीआई के रूल्स को लेकर हो, चाहे वो दूसरा आपका करतारपुर कॉरिडोर को लेकर हो। उम्मीद है आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। अंकित गुप्ता जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, ताकि आपको सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलने लग जाएंगे। अगर आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं, ऑल पर सिलेक्ट करते हैं, फेसबुक पेज का नाम है जीके वेदास, यहां से आप द हिंदू न्यूज़पेपर को भी डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो वहां पर भी आपको द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाएगा। इन सभी के लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और एडिटोरियल के सेशन के साथ, डिटेल एनालिसिस के साथ, अंकित सर के साथ। धन्यवाद।